स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है देखिए, और वैसे भी सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आप लोग कर सकते हो, वैसे कोई हार्ड नहीं है सेकंड और थर्ड क्वेश्चन। तो हम सीधा फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में भी हार्ड नहीं है कुछ, वो भी आप कर सकते हो, ओके। लेकिन फिर भी मैं बता देता हूं। देखिए क्या कहा है फोर्थ क्वेश्चन, फाइंड के फाइंड करना है इफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। मतलब ये मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, ओके। और आपको पता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब होता है कि जिसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो होता है। मतलब इसका डिटरमिनेंट जीरो होना चाहिए। तो चलिए ले लेते हैं हम डिटरमिनेंट ऑफ के माइनस वन टू थ्री, थ्री वन टू, वन माइनस टू फोर। डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो गिवन है हमारे पास। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं अब। देयरफॉर के माइनस वन, फोर वन जा फोर, माइनस टू टू जा फोर, और ये माइनस का प्लस हो जाएगा। माइनस टू, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस टू वन जा टू, प्लस थ्री, टू थ्री जा सिक्स, माइनस सिक्स, माइनस वन वन जा वन, और इज इक्वल टू जीरो। यहां पे फोर प्लस फोर एट हो जाएगा, और एट को हम आगे मल्टीप्लाइड अगर कर देते हैं तो क्या होगा? देखो, एट के माइनस एट माइनस ट्वेल्व में से टू गया तो टेन बच गया, टेन टू जा ट्वेंटी, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो सिक्स प्लस वन सेवन हो जाएगा, माइनस सेवन, और माइनस सेवन मल्टीप्लाइड बाई थ्री, माइनस ट्वेंटी वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब आंसर क्या आएगा? देखो, एट के माइनस, ये तीनों भी माइनस है, मतलब तीनों की एडिशन होगी। 20 प्लस 8, 28, 28 प्लस 21, 49, मतलब माइनस 49 हो जाएगा। ओके, कहीं मिस्टेक, फिर भी चेक कर लेते हैं एक बार, क्योंकि फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है हमारा। ओके, के माइनस वन, फोर वन जा फोर, माइनस टू टू जा फोर, माइनस का प्लस होगा। माइनस टू, फोर थ्री जा ट्वेल्व, माइनस टू वन जा टू, ये भी करेक्ट है। प्लस थ्री, यहाँ पे थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स, माइनस वन वन जा वन, करेक्ट है। फोर प्लस फोर एट, एट वन जा एट, माइनस एट, यहाँ पे ट्वेल्व में से टू गया तो टेन बच गया, और टेन टू जा ट्वेंटी हो जाएगा, माइनस ट्वेंटी, बरोबर है। तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ पे, और सिक्स में से सिक्स प्लस वन सेवन, और सेवन थ्री जा ट्वेंटी वन, ट्वेंटी वन प्लस ट्वेंटी फोर्टी वन, फोर्टी वन प्लस एट, क्योंकि माइनस माइनस ही है ना, तो माइनस माइनस प्लस ही होगा सब। 49 इज इक्वल टू जीरो। आगे समझ में? तो अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो 8 के इज इक्वल टू 49, माइनस का उधर प्लस होगा, तो हमारा आंसर आएगा के इज इक्वल टू 49 अपॉन 8 मल्टीप्लाइड में, तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये हो गई हमारी के की वैल्यू। तो इसमें भी कुछ सब क्वेश्चंस हैं, वो सब क्वेश्चंस बाकी आप सॉल्व कर लो, एक महीने आपको सॉल्व करके दिया है। ओके, तो इसे लिख लीजिए, बाकी हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है। फाइंड एबीसी इफ दिस मैट्रिक्स इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब गिवन जो मैट्रिक्स हैं वो सिमेट्री मैट्रिक्स हैं, ओके। और हमें एबीसी की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो चलो पहले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। अब आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आपने पढ़ी नहीं, मैंने पढ़ाई नहीं है, ओके। तो आपको ध्यान में नहीं आया होगा कि ये क्या है, तो फिर भी मैं बता देता हूँ। ओके, देखिए सॉल्यूशन, मान लीजिए मैं इसे ए मैट्रिक्स दे देता हूं, ए वन थ्री बाय फाइव, ए बी माइनस फाइव माइनस सेवन, और माइनस फोर सी जीरो इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या होता है और क्या कनेक्शन है, कैसे होता है, ये देखिए। इफ मैट्रिक्स ए ए आई जे, एम बाई एन मान लीजिए कोई भी, इज अ सिमेट्री मैट्रिक्स, देन
aij is equal to agi. आगे समझ में, फॉर ऑल आई जे. आगे के समझ में मैंने क्या कहा? नहीं, मैं समझा देता हूं, अच्छी तरह से समझ लीजिएगा. मान लीजिए ये आई जे A11, मतलब i इज इक्वल टू 1 और j इज इक्वल टू 1. ओके, और ले लेते दूसरा, क्योंकि 11 11 1 1 इक्वल है तो समझ में नहीं आएगा. A21, मतलब ये i है और j है, इज इक्वल टू क्या है? AGI. तो इसको अगर AIJ को हम AGI के फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा? A21 को 12 हो जाएगा, मतलब j यहां पे आ गया, i आ गया, मतलब A21 टर्म इज इक्वल टू A12 टर्म होगी. ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स का रूल्स है, इसे ही सिमेट्री कहते हैं. आगे समझ में? फिर से एक बार कह देता हूं कि AIJ इज इक्वल टू AJI है. तो मान लीजिए हमारे पास A31 है, तो ये I है और ये J है. अगर इसे हम JI के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा? J आगे और I बाद में, तो A13 मतलब 13, तो A31 इज इक्वल टू A13, या ऐसा कह सकते हैं कि A13 इज इक्वल टू A31. तो चलिए लिख लेते हैं, मैं मिटा देता हूं इसे. सॉरी, कहां रख दिया मिटाने का, मुझे दिख नहीं रहा. तो चलिए हमें क्या निकालना है? सबसे पहले ये निकालना है. तो ये कौन सी टर्म है? A11, A12, A13. A13 इज इक्वल टू A13 किसके बराबर होगी? A31 के बराबर होगी, बाय सिमेट्रिक रूल्स के हिसाब से. बराबर है, क्योंकि सिमेट्री हमारी यही कहती है, ओके, कि रो और कॉलम को इंटरचेंज कर दो. तो A13 तो हमारा A है, तो A31 कौन है? ये A31 है, मतलब -1. उसी तरह B निकालना है, तो B कौन है? 21 A21. तो A21 किसके बराबर होगा? A12 के. A21 हमारे पास B है, तो A12 कौन है? 11 12, मतलब 3/5. उसी तरह C निकालना है, तो C कौन है? A32. तो A32 मतलब A23. तो A23 का हो गया ये 21 22 23, मतलब A32 तो हमारे पास C है, तो ये 23 माइनस 7 है, तो ये हो गया हमारा ABC की वैल्यूज. हो गया, इजी है, कोई हार्ड लग रहा है कि इस पे? कुछ भी हार्ड नहीं है. तो चलो लिख लो इसे. नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं. 8 क्वेश्चन. फाइंड XYZ. अब यहाँ पे XYZ को फाइंड आउट करना है, और क्या कहा है देखो, गिवन मैट्रिक्स, DV मैट्रिक्स, Q मैट्रिक्स है. इस बार हमें स्क्यू मैट्रिक्स दिया गया है. तो स्क्यू मैट्रिक्स क्या होती है? जैसे हमने सिमेट्री को पढ़ा, वैसे हम स्क्यू को पढ़ लेते हैं. देखो, इफ सॉल्यूशन, इसे मैं ए डिनोट कर देता हूं, 0 -5i x y 0 z 3/2 √2 0. आई थिंक ये माइनस है, चेक कर लेता हूं मैं एक बार. √2 है, इज ए स्क्यू मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का है उसे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स. ये गिवन है हमारे पास. चलो स्क्यू क्या होता है ये देख लेते. सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हम पढ़ चुके हैं, अब स्क्यू क्या होता है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब AIJ is equal to AJI होता है, मतलब अपोजिट. अब skew उसमें कनेक्ट हो गया है, सिर्फ सिमेट्रिक्स तो वैसे का वैसे ही है, उसमें कनेक्ट क्या हो गया है? सिर्फ skew, ये वर्ड उसमें कनेक्ट हो गया है. तो अब skew को हम कैसे करते हैं वो देख लेते हैं. देखो skew का मतलब क्या होता है, देखो मान लो कि skew का मतलब सीधे सीधे निगेटिव होता है. ओके, कैसे? देखो, इफ A matrix AIJ m by n is a skew
सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये लिखने की जरूरत, जैसे मैंने सिमेट्रिक मैट्रिक्स में भी ये लिख के दिया तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ओके ये सिर्फ मैं आपको समझने के लिए यहां लिख के दे रहा हूं। ओके आप डायरेक्ट डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ओके देन ए आई जे इज इक्वल टू माइनस ए जे आई, बस इतना लिखा तो भी सफिशियंट है आपने क्वेश्चन सॉल्व करते समय, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब क्या होता था, ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई, करेक्ट है। और अब स्क्यू मैट्रिक्स मतलब क्या होता है, सिर्फ माइनस। तो चलिए हमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले तो एक्स निकालना है, तो एक्स को निकाल लेते हैं। देयरफॉर एक्स कौन सी टर्म है, 11 12 13 ए 13 इज इक्वल टू माइनस ए 31 होगा। तो ए 13 तो हमारा एक्स है, तो ए 31 क्या है, ये 31, तो माइनस 3/2। तो अब हम y को निकालेंगे, तो y हमारा A21 है, तो A21 इज इक्वल टू A12 होना चाहिए माइनस, तो A21 हमारा y है, तो A12 माइनस 12 कौन है, माइनस 5y, तो माइनस 5y माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5y हो जाएगा। उसी के साथ z निकालना है, मतलब यहाँ पे है, तो 21 22 23 तो A23 इज इक्वल टू माइनस A32 हो जाएगा। तो A23 अगर Z है तो A32 हमारा माइनस, तो 32 कौन है, ये रूट 31 32 तो माइनस ऑफ माइनस रूट 2, तो आंसर Z हो जाएगा रूट 2। तो ये हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आई होप सो आपको समझ में आ चुका होगा। तो इस एक्सरसाइज में 4.4 में जितने भी करने लायक क्वेश्चन थे या बताने लायक क्वेश्चन थे मैंने सभी बता दिए। ओके जितने भी बताने लायक थे, बाकी कुछ छोड़ दिए, सभी नहीं बताए, कुछ छोड़ भी दिए है एग्जाम्पल, तो वो एग्जाम्पल इजी है तो आप कर सकते हो। अगर फिर भी आपको उसमें कुछ डाउट होता है तो मुझे रिप्लाई करो, मैं उसे समझा के दूंगा। ओके तो आज का हमारा क्लास यही खत्म होता है, बाकी हम कल देख लेंगे।